कंडाघाट में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता बीएमओ शहरी चिकित्सक संगीता उप्पल ने की। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आरंभ होने जा रहे टीका महोत्सव को सफल बनाने के लिए कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देना था। संगीता उप्पल ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर बेहद घातक है, इससे बचने के लिए कोरोना वैक्सीन लगाना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि टीका महोत्सव कंडाघाट में कई स्थानों पर मनाया जाएगा ताकि सभी को कोरोना वैक्सीन लगाई जा सके। अधिक जानकारी देते हुए बीएमओ संगीता उप्पल ने बताया कि कोरोना वैक्सीन सभी लगाएं, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग कंडाघाट में 10 स्थानों पर टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने इस मौके पर संदेश दिया कि वैक्सीन लगने के बाद भी सभी को कोविड नियमों की पालना करनी होगी, तभी कोरोना के असर से बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीन लगने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहद बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कोरोना शरीर पर ज्यादा असर नहीं कर सकता है। टीका महोत्सव के उपलक्ष्य में एक बैठक का आयोजन किया गया। इसके ये हमारा 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक हम टीका महोत्सव मनाएंगे। इस बैठक में हमने डॉक्टरों को और स्टाफ को पूरा गाइड किया, निर्देश दिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमने वैक्सीनेट करना है और कहाँ कहाँ वैक्सीनेशन किया जाएगा, तो और ये हमने डिसाइड किया। आज ही हमने माइकिंग भी शुरू कर दी है लोगों को जागरूक करने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएं और अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। 45 साल से उम्र से ज़्यादा के लोग हैं, वो सारे के सारे आके अपने आप को कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की गई है, वो हम स्वास्थ्य विभाग सब लोगों को लगा रहा है। तो दूसरी इस बार पहले हम 4 हफ्ते के बाद दूसरी डोज लगाते थे, अब नई गाइडलाइंस के मुताबिक 6 से 8 हफ्ते के बाद दूसरी डोज लगाई जाएगी। तो स्वास्थ्य विभाग कैंप लगा रहा है जगह जगह, और इसमें सब 11 से 14 में सब जगह हमने 10-10 जगह पे हमने कैंप करने हैं। हर PHC में और CHC में तो टीकाकरण किया ही जाएगा। तो टीका लगने के बाद भी हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को छोड़ना नहीं है, जैसे कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई रखना, हाथ धोते रहना, ये सब हमारे को कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि टीका लगने के बाद कोविड नहीं होगा, बट जो बीमारी है उसके वो ज़्यादा सीवियर रूप या ज़्यादा डेंजरस रूप नहीं लेगी और व्यक्ति का बचाव हो सकता है।